डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के एजु हब बांसू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एरर के बारे में। तो एरर का मतलब होता है गलतियाँ। तो हम डेली लाइफ में डेली ही करते हैं कुछ ना कुछ एरर। तो फिजिक्स में एरर का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। इधर देखो, तो सपोज दैट अपने पास ये कोई रोड है जिसकी एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ रोड सपोज दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमको बोला गया कि भाई इसकी लेंथ आप लोग मेजर करो। दो स्टूडेंट को बोला गया कि भाई इसकी लेंथ मेजर करो। तो एक स्टूडेंट ने इसकी लेंथ मेजर की, फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने, सपोज दैट 9.9 सेंटीमीटर। और सेकंड वाले स्टूडेंट ने इसकी लेंथ मेजर की 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दोनों ही स्टूडेंट ने एरर किया है, गलती की है। तो गलती हम कैसे पता चलता है अपने को? तो देखो, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, या स्टैंडर्ड वैल्यू भी आप कह सकते हो इसको। और ये है मेजर्ड वैल्यू। तो इस स्टूडेंट ने कितना एरर किया? तो आंसर है भाई, इसका जो एरर था ये है 0.1 सेंटीमीटर का। कैसे पता चलेगा अपने को? ये जो ट्रू वैल्यू है इसमें से मेजर्ड वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरर होता है ट्रू वैल्यू। तो फर्स्ट स्टूडेंट का एरर अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो, ट्रू वैल्यू कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। उसने मेजर कितना किया? 9.9। तो एरर आ जाता है यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? ओके। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट की अगर एरर की हम बात करें, तो देखो ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसने मेजर कितना किया? 10.2। तो यहाँ से एरर आता है -0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एरर होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ट्रू वैल्यू से हम ज़्यादा भी मेजर कर सकते हैं, कम भी मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरर के टाइप के ऊपर कि एरर कितने टाइप की होती है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर को पढ़ने से पहले एक चीज हमेशा समझना कि हमेशा हम जो भी वैल्यू मेजर करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा इक्विपमेंट हम यूज कर लें, उसमें हमेशा एरर होता ही है। कैसे होता है? सपोज दैट ये जो रोड थी, इसकी लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपने मेजर की 10 सेंटीमीटर। तो हो सकता है इसकी जो लेंथ हो वो हो 10.00001 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने जिस स्केल से मेजर किया था इसको, वो इतनी डीप तक उसको मेजर ही नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है इसमें एरर हो, या फिर हो सकता है इसकी एक्चुअल लेंथ 10.00001 सेंटीमीटर हो। तो हम जो भी मेजर करते हैं हमेशा एरर होगा ही होगा। एरर को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं कभी भी। क्लियर है कि नहीं? हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एरर होगा ही होगा, कोई भी मेजरमेंट है उसमें, हम केवल उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर। तो एरर है, ये दो टाइप्स की होती है। वन इज सिस्टमेटिकल एरर, कहते हैं सिस्टमैटिक।
मैकेनिकल एरर। फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास एक वेट मशीन है, क्लियर है, ये वेट मशीन इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो भी ये 10 ग्राम मेजर करती है, इसका मतलब इसमें एरर है। तो कुछ भी नहीं रखा तो 10 ग्राम मेजर कर रही है, हमने इसके ऊपर कुछ रखा तो सपोज दैट इसने मेजर किया 30 ग्राम, तो हम समझ जाएंगे हमने जो इसके ऊपर वेट रखा है वो एक्चुअल में 20 ग्राम है, बिकॉज 10 ग्राम तो ये ऑलरेडी बताती है एक्स्ट्रा। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जिसका अपने को पहले से ही पता होता है, उसको हम आसानी से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये होता है सिस्टमेटिकल एरर, जिसका रीजन अपने को पहले से पता हो तो उसको आसानी से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिकल एरर। ओके, उसके बाद आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है ऐसा एरर जिसका कोज अपने को पता नहीं होता है, कोज अननोन होता है, और इसको मिनिमाइज करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि अपने को पता ही नहीं किसकी वजह से ये हुआ है, तो इसको मिनिमाइज करना काफी मुश्किल होता है। तो ये होता है अपना रैंडम एरर। क्लियर है, दोनों एरर क्लियर हो गए होंगे। सिस्टमैटिक एरर होता है जिसका कोज अपने को पता हो उसको आसानी से हम रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड होता है रैंडम एरर जिसका कोज अपने को पता नहीं होता है, या फिर ये इरेगुलरली प्रोड्यूस होता रहता है। पता, जैसे मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट को जब हम बार बार करते हैं तो भी अपनी जो रीडिंग है वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ही आती है, तो वो सब रैंडम एरर की वजह से ही होता है क्योंकि उसका अपने को पता नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई है। क्लियर है, तो ये है रैंडम और सिस्टमैटिक एरर।